यहाँ पे जो कांग्रेस की कैंडिडेट है डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ, उनके लिए बड़ी अच्छी उम्मीद लग रही है और ऐसा लग रहा है कि 50 से 55 हज़ार वोट से के करीब से वो लीड करके वो जीतेंगी। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोदी साहब का, उन्होंने जिस ढंग से आ खेली है, लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है। सेकुलर वोटर्स जो है वो खुद ब खुद महसूस कर रहा है कि उसको क्या करना है। इसके लिए कांग्रेस अलायंस वालों से ज़्यादा बीजेपी वाले शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन्होंने रुझान बनाया कि उनको क्या करना है। हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ सबसे पहले हमारे हिंदू भाई ने खून दिया। कोविड में हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स ने हिंदू भाइयों के एरिए में जाकर घर घर जाकर लोगों का इलाज किया। ये शहर मिसाली शहर है और ये मिसाल कायम रहेगी और इंशाल्लाह कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फर्क से चुन के आएगा। यहाँ सिर्फ बदलाव चाहते हैं, यहाँ बदलाव इसलिए चाहते हैं कि सिर्फ मोदी जी सिर्फ वादाबाजी की है और सिर्फ योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलना नहीं है। यहाँ पर चांस तो दिया गया 2 दफ़े, मगर कोई किस्म का एक ढेला भी रखा नहीं गया बीजेपी की तरफ से। चलो भाई सिर्फ आश्वासन है भामरे साहब का, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, कोई चीज़ पे इनकी अमल बजावनी नहीं है। और ये जब बोलते हैं तो झूठी बोलते हैं। इनके वो ये लोगों ने PhD किया झूठ बोलने में। संविधान बदलने की बात करते हैं, ऐसा करने की बात करें, कोई चीज़ जो है इनके पास कोई पॉजिटिव है नहीं, सब माइनस है। और ये जो है इनकी राजनीति जो है अब ख़त्म होने वाली है। ये कुछ दिन के लिए मेहमान थे, अब मेहमान को भी उसके घर जाना चाहिए ना, बाट में जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे जाना चाहिए, होटल पे सिंगल होना चाहिए, सब इनको हम भेज देंगे। अब इन्होंने विकास किया है, सिर्फ अडानी का किया है, अंबानी का किया है, आम पब्लिक का कोई विकास नहीं किया इन्होंने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के दूसरे चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो मालेगांव धुलिया में काफ़ी वोटर्स जो है मुस्लिम हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। सीधा हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ के आगेवानों से और जो है पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। कैसे देखा जा रहा है मालेगांव को, धुलिया को, यहाँ की आवाम को और इस शहर के विकास को? बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, कपड़ा बुनने की मशीनों का एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है काम काज चल रहा है, जिसे जो है फैक्ट्रियाँ कपड़ों की लूम बताया जा रहा है और कपड़ों की लूम के काम में काफ़ी युवा लगे हुए हैं। क्या कहोगे सर, कैसे देख रहे हो आप? पॉलिटिकल काफ़ी सूझबूझ रखते हो, कांग्रेस से काफ़ी साल से आपका नाता जुड़ा है और सदारत भी दी गई है आपको, किस तरह से इस शहर को देख रहे हो, इसके विकास को देख रहे हो? और अगर जनता यहाँ पर वोटिंग करती है लोकसभा में तो किन मुद्दों पे करेगी? देखिए, जहाँ तक धुलिया मतदार संघ की बात है, ये मालेगांव सेंट्रल जो है हमेशा से कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन इस बार जो रुझान दिख रहा है वोटर्स को समझाना नहीं पड़ रहा है। लोग पहले घर जाकर लोगों को बोलते थे कि वोट देने के लिए आइए, वोटर्स खुद ढूंढ ढूंढ के अपनी स्लिप ढूंढ रहे हैं। मैं खुद 7 बजे वोटिंग के लिए गया, मैं समझा कि शायद ओपनिंग मेरे हाथ से होगी, तो वहाँ 10-11 लोग खड़े थे। 1 बजे की रिपोर्ट ऐसी है, मैं जिस एरिया में था 42% वोटिंग हो चुकी है। इस मतदार संघ में सटाना आता है, वहाँ मैंने फ़ोन करके पूछा, पिछले टाइम वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को सिर्फ 10% वोट मिली थी, इस दफ़ा रुझान 40% का है। लगत में लखमापुर है, वहाँ मैंने पूछा, वहाँ की भी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, नामपुर की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। धुलिया मैंने फ़ोन किया, धुलिया में मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ ये बोला जा रहा है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जो रुझान रहता है उससे ज़्यादा रुझान यहाँ पब्लिक का वोट देने का है। इन होल देखा जाए तो यहाँ पे जो कांग्रेस की कैंडिडेट है डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ, उनके लिए बड़ी अच्छी उम्मीद लग रही है और ऐसा लग रहा है कि 50 से 55 हज़ार वोट से के करीब से वो लीड करके वो जीतेंगी। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोदी साहब का, उन्होंने जिस ढंग से आ खेली है, लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है। सेकुलर वोटर्स जो है वो खुद ब खुद महसूस कर रहा है कि उसको क्या करना है। इसके लिए कांग्रेस अलायंस वालों से ज़्यादा बीजेपी वाले शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन्होंने रुझान बनाया कि उनको क्या करना है। और ये एरिया जो है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का ये शहर है, यहाँ सूत हमारे मारवाड़ी भाई देते हैं, पावर लूम मुस्लिमों के हैं, कपड़े बन के उनके तक जाते हैं और हमारा तालमेल ऐसा है
कि हम लोग इस शहर का ताना बाना है, कोई एक दूसरे से हमको जुदा कर ही नहीं सकता। इसलिए फिरका परत पार्टियां यहाँ हिम्मत ही नहीं करती कि वो यहाँ आकर कैनवासिंग करें, वोट मांगे। ये हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले हमारे हिंदू भाई ने खून दिया। कोविड में हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स ने हिंदू भाइयों के एरिए में जाकर, घर घर जाकर लोगों का इलाज किया। ये शहर मिसाली शहर है और ये मिसाल कायम रहेगी, और इंशाल्लाह कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फर्क से चुन के आएगा। जी जी, कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत ही बड़ी लीड से, और 50 से 55,000 की तो लीड बता ही रही है कि उतनी बड़ी लीड से जीत कर आएगा। और मोदी जी का भी यहाँ पर शुक्रिया कहा है कि यहाँ के वोटर्स को समझाना नहीं पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है उन लोगों ने ही जनता को समझा दिया है कि किस तरह से यहाँ पर जो है एकता हो, एक होकर वोट देना है। और भी लोग यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे, सामाजिक कामों में काफ़ी आगे रहते हैं मालेगांव की आवाम के लिए, और उनकी तकलीफ़ों में हर हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स से हम बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं यहाँ के जो है चुनाव को, मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में लोग निकले हैं? आज ये पांचवें चरण की मतदान हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये पांचवें चरण में इंडिया अलायंस की जो है 330 सीट के पास आने वाली है। यहाँ जो रुझान है मालेगांव के अंदर, आउटर के अंदर, धूलिए के अंदर, सिंहखेड़ा के अंदर, यहाँ सिर्फ बदलाव चाहते हैं। यहाँ बदलाव इसलिए चाहते हैं कि सिर्फ मोदी जी सिर्फ वादाबाजी की है, और सिर्फ योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलना नहीं है। यहाँ पर चांस तो दिया गया दो दफ़े, मगर कोई किस्म का एक ढेला भी रखा नहीं गया बीजेपी की तरफ से। चलो भाई, सिर्फ आश्वासन है भामरे साहब का, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कोई चीज़ पे इनकी अमल बजावनी नहीं है। और ये जब बोलते हैं तो झूठी बोलते हैं। इनके वो ये लोगों ने पीएचडी किया झूठ बोलने में, ये बहुत माहिर है झूठ बोलने में। ये जो है ना, ये आरएसएस के लोग और ये बीजेपी के लोग, ये इनकी एक वो चलती है, ट्यूशन चलता है झूठ बोलने के बाद, कब कहाँ झूठ बोलने का, कैसे बोलने का। अब यहाँ हमारे योगी जी आए, एक तो उनकी सभा फेल हो गई, और दूसरा जो है तो आए तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदू मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा तो मुसलमानों को ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये इनकी जो बीजेपी जो नियत है ना, ये जो हमारे पुरखों जो ज़मीन जायदाद है ना, ये उन पर कब्जा करना चाहते। ये जो है ना संविधान बदलने की बात करते, ऐसा करने की बात करें, कोई चीज़ जो है इनके पास कोई पॉजिटिव है नहीं, सब माइनस है। और ये जो है इनकी राजनीति जो है अब ख़त्म होने वाली है। ये कुछ दिन के लिए मेहमान थे, अब मेहमान को भी उसके घर जाना चाहिए ना, मार्ट में जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे जाना चाहिए, होटल पे सिंगल होना चाहिए, सब इनको हम भेज देंगे। अब हमारा वही मुगल जैसा राज आएगा, और हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया है वापस हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना विकास, यहाँ पर जो विकास होता है ना क्षेत्रीय से होता है, बुनकरों से होता है। यहाँ पर ज़मीन से दौलत निकाली जाती है, हीरा निकाला जाता है, और वो हिंदुस्तान में फरोख्त किया जाता है, उससे हमारा जरिया बनता है। ये सब तो इनके जब से इनको राज आया है, ऊपर से बारिश भी होना बंद हो गई, नदी नाले भी सूख गए, इनकी नीयत ही खराब है, इनकी नीयत खराब है, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है ये लोग। और झूठ बहुत दिन नहीं चलता, कुदरत भी नाराज़ है, आवाम क्या करे बेचारी, नाले में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, बॉडी खोद खोद के परेशान हो गए। तो ये जो दौलत जो आती थी जब मट्टी से, वो मट्टी दौलत आना बंद हो गई है। अब बुनकर बेचारे परेशान है, न कपास निकलती है, न कपड़े बिना जाता है, बस ऐसी चल रहा है लीला हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा होने जा रहा है। 4 जून को हिंदुस्तान की तारीख बदल दी जाएगी, 4 जून को। ये जो है ना इनको इनके अन्य घर वापस भेज देने का है। और ये जो करते हैं ना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, तो ये सब जो है ना इनको अभी ये आखिरी दौर है, इनको जितना बोलने का झूठ बोलने का बोल लेने दो, बाकी इनकी राजनीति यहाँ से ख़त्म होने वाली है। इनको कोई पहचानने उचानने वाला नहीं है। जब देखो जब झूठ, जब देखो जब झूठ। वो बोलती है मैं 15 लाख खाते में डाल दूंगा, हर किसान के खाते में 20,000 रुपये डालूंगा, कुछ बोल कुछ करते नहीं, सिर्फ बात की दुकान है, है? लेकिन ये तो कहते हैं मोदी जी के, मैं मुस्लिमों के इलाकों में पला बड़ा हूँ, वहाँ से मुझे ईद के दिन खाना आता था और ताजिए के नीचे से गुजरते थे। नहीं नहीं, हम ये कोई दो राय नहीं है। मोदी जी मुसलमानों के यहाँ पे बड़े पहले हुए, सब बात है,
मगर इनकी जो जहनीत है ना 2002 के बाद से गोधरा कांड के बाद से इन्होंने अपनी जो जहनीत बदली है, इसलिए मुसलमानों के साथ ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें कोई बुजुर्ग है नहीं। आदमी जो है जब था, जब सिंगल होते थे तो मुसलमानों के कब्जे में थे, मुसलमानों को वहाँ आते थे, जाते थे, खाना बेचते थे, ताजिए के नीचे जाते थे। हम उनकी ये बात क्यों मानते हैं ना, हम थोड़ी इनकार कर रहे हैं, मगर 2002 के बाद से जो इन लोगों ने हालात बिगाड़े हिंदुस्तान के, वहाँ से इनकी जहनीत भी बदल गई है, इसलिए इनके जितने भी सब छजंद है ये सब ख़त्म होने वाले हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर वापस फिर से अलायंस की हुकूमत बनने वाली है और विकास बहुत तेज़ी से होगा, विकास को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मालेगांव का भी देख लेना, ये मालेगांव में विकास तो शुरू हो गया अभी से, जैसे बदलाव आया नहीं है, विकास चालू हो गया। हाँ, ये कहते हैं ये सब मनुष्यत ख़त्म होने वाली है हिंदुस्तान से, ये 10 साल के लिए इनको हमने भेजे थे, मेहमान आए थे, अब मेहमान को अपने घर भेजने का है, ये झुठे लोग को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर रहे हिंदुस्तान से। इतना ही बोल के मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। जी सर, यहाँ पर मुसलमानों को एक समय पर जब राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ था, लोगों ने उसके बाद काफ़ी टिप्पणी की थी कि भाई एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि मुसलमानों को घुसपैठिया बताया गया, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते, घुसपैठिया का जवाब कैसे दोगे आप? देखिए, ये शहर एजुकेटेड लोगों का शहर है, हमको मालूम है हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट है, हमने वावेला नहीं किया लेकिन दिल में उस बात को रखा है और उसका इजहार देखो आपको हर गली कूचे में दिखेगा, किसी को समझाना नहीं पड़ रहा है कि हम घुसपैठिए हैं, कि हमने यहाँ बाय चॉइस यहाँ पर हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, बाय चांस रहना पसंद नहीं किया है। हर एक ने महसूस किया कि वो घुसपैठिए हैं, ज़्यादा औलाद वाले हैं, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे वगैरह वगैरह। हमने वहाँ विरोध नहीं किया मगर दिल में इस बात को रखा कि हमारे पास जो बहुत बड़ा हथियार वोट का है और देखना उस वोट की बुनियाद पर हम इनको इनकी जगह बता देंगे। जी बहुत ही बढ़िया बात बताई यहाँ पर कि जिस तरह से घुसपैठिया कहा गया, मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस की जब सरकार आएगी, मुसलमान को आरक्षण देने पर भी जो है ऐतराज़ जताया, इन तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आज वोटर्स जो है अपने वोट के अधिकारों से दे रहा है, ऐसा यहाँ का लोगों का मानना है और दिख भी रहा है। सीधा हम एक और जो है यहाँ पर आगेवान है, उनसे हम बात करेंगे, कैसे देख रहे हो इस वोटिंग को, विकास को? ये विकास की बात जो है ना, विकास की बात तो ये है कि ये इन्होंने विकास किया है, सिर्फ अडानी का किया है, अंबानी का किया है, आम पब्लिक का कोई विकास नहीं किया इन्होंने, विकास इन्होंने बराबर 100% किया है, सिर्फ अडानी और अंबानी का ही विकास किया है, उनके जितने हवारी मवारी सबका विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, किसान मर रहा है, बुनकर आज इन्होंने बुनकरों की इतनी खराब पॉलिसी बनाई कि बुनकर मर गया है, पूरे हिंदुस्तान का बुनकर मर गया है। बुनकर बोले तो बुनकरों से हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर रोज़गार देने वाली हाँ ये है कम्युनिटी, पावरलूम कम्युनिटी, ये दूसरे नंबर का रोज़गार देती है पूरे हिंदुस्तान में, और पावरलूम के ताल्लुक से इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, आज हमारे पावरलूम कारखाने पूरे बंद हो चुके हैं, बुनकर मर चुका है, कल्लास हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये बुनकरों के चलते ही एक गुजरात को और देश को महाराष्ट्र को इस तरह से देखा जा रहा था कि बुनकर का जो आर्ट है भारत के अंदर पूरे देश में इसको सही तरीके से दिखाया जा रहा था। बराबर आप द्वारा बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आज वो खत्म किया गया है, ये जानबूझकर ये कला को खत्म किया गया है, आज हैंडलूम को खत्म किया है इन्होंने, पावरलूम को खत्म किया है, महाराष्ट्र से पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ इन्होंने उड़ा के गुजरात लेके चले गए, जो आज महाराष्ट्र में किसान कल्लास है, बुनकर पूरे हिंदुस्तान का 60% पावरलूम मालेगांव महाराष्ट्र में, सब डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन के नाम से, मॉडर्नाइजेशन के नाम से इन्होंने हैंडलूम को और पावरलूम प्लेन पावरलूम को ख़त्म कर दिया है, महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावर ग्रेड पावरलूम पर है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावरलूम पर। क्या लग रहा है अब इसका अंत आना चाहिए या इसका अंत आएगा, आज की वोटिंग से कैसा लग रहा है? इसका अंत हो चुका है, इसका अंत आज जिन्होंने हमारे जमील भाई ने कहा है कि मोदी ने हमें वोट देना सिखा दिया है, इन्होंने जो NRC लाया है, NRC के नाम से लोग इतना डरे हुए, खुद अपनी वोट देने जा रहे ताकि इनका वो जिंदा रहे, वो घुसपैठिया भी बताया गया इनको, तो इमसाल हमेशा पार्लियामेंट में वोटिंग परसेंटेज एकदम डाउन रहा करता है, अब की वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है और ज़्यादा ही ज़्यादा है, वोटिंग ऐसी गर्मी में इनका, हाँ ऐसी गर्मी में
आज तापमान जो है ना 40, मालेगांव का तापमान 42-43% है, मगर लोग वोट देने के लिए निकले, घर से औरतें वोट देने के लिए निकले, मर्द बुजुर्ग निकले हैं, गाड़ियां चल रही है, लोग रिक्शा में लाला के लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचा ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और इनका खात्मा हो। कोई घटना ऐसी कोई वारदातें सामने आई है किसी का टेबल बूथ गिरा है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई वारदात या कोई वारदात नहीं हुई है, शांतिपूर्वक है, एकदम इत्मीनान से वोटिंग पर चालू है और वोट देने लोग जा रहे हैं, वोट दे के आ रहे हैं। यहाँ कोई किसी का कोई दबाव नहीं है, ना ही शासन का भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक है, वो भी शासन भी पुलिस शासन भी अच्छे ढंग से वोटिंग के लिए मदद कर रहे हैं। घटना नहीं हो रही उसकी एक वजह है, यहाँ पर ना सभी समाज के लोग बदलाव चाहते हैं और हर समाज के आदमी बोलते हैं सेकुलर लोग को वोट दो। यहाँ कोई मतभेद है ही नहीं, मालेगांव धुलिया में कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ वोट डालने की बात करते हैं और कोई भी हो, कोई भी बूथ के ऊपर कोई भी घटना नहीं हुई है और ना होने वाली है, क्योंकि सिर्फ वोटर अपनी मर्जी से जा रहा है, वोट डाल के आ रहा है, पेटी के ऊपर कोई है, बूथ के ऊपर कोई बैठा है नहीं बैठा है, उससे कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्के में कोई भी किसी भी घटना होने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है और शांतिपूर्वक वोट हो रही है। और मैं मालेगांव के हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान और वोटरों को दावत देता हूँ कि वो जो भी चरण की वोट बाकी है उसको वोट दो, वोट अपना हथियार है, वोट देना बहुत ज़रूरी है। अपन जो वोट नहीं देते हैं और अपन जो बेजर उसमें रहते हैं पस्ती में रहते हैं, अपनारी यही वजह यही है कि हम वोट नहीं डालते हैं और इसे एड़े बौले फसादी चुन के आ जाते हैं और अपने को तकलीफ होती है। तो आज से इतना तय कर लो कि हमें वोट देना है, हर हाल में वोट देना है, हाँ, और सेकुलर वोट को वोट देकर हिंदुस्तान को वापस सोने की चिड़िया बनाने का एक अहद करो। और ये मालेगांव का यहाँ बुनकर है, मालेगांव का किसान है, वो वाकई थोड़ा सी परेशान है आज जो है, तो आज ये परेशानी हिंदुस्तान की हुकूमत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी मैं समझता हूँ। जी तमाम लोग अब अपना वोटिंग का जो है निशान अगर वोट दे के आए हैं तो दिखा दीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम वोटर्स हैं और इधर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम के तमाम लोग जो है अपने वोट का अधिकार देकर यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी अच्छी सूझबूझ रखी है और ऐसी गर्मी में भी लोग निकले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुआ है मालेगांव में और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बदलाव हो सकता है। इस वोटिंग के हिसाब से ही कहा जा सकता है कि इस बार जो 100% जो है मालेगांव में 10 साल से जो कैंडिडेट आ रहा था चुनकर, अब कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आने वाला है और बदलाव के तौर पर यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट को दिया गया है टिकट कांग्रेस से, उनको अच्छी जो है लीड से जीत मिल सकती है और कहीं भी कोई घटना नहीं है, छुटमुट घटना भी यहाँ पर सामने नहीं आई है और ये बताया जा रहा है घटना के चलते कि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए यहाँ कोई वारदातें और घटनाएं सामने नहीं आई है। तो अब आने वाले दिनों में अब जो बाकी चरण के मतदान है उन तमाम मतदान के कवरेज को देखने के लिए देखते रहिए देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।